हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग वेलकम टू टेक्सट बुक सेलेक्ट यस गाइस चलो जल्दी से जुड़ जाइए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा टुडे वी विल स्टार्ट विद विद न्यू द लेक्चर न्यू लेक्चर सीरीज एंड द लेक्चर सीरीज रिगार्डिंग गवर्नमेंट स्कीम्स गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे सो टुडे विल टॉक अबाउट द हेल्थ स्कीम्स इन इंडिया हम शुरुआत कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर कौन सी कौन सी हेल्थ स्कीम है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे टू स्टार्ट दिस सीरीजोर स्टार्टिस और या फिर, uh, के लिए, के में, तो सारे स्कीम एक बार नाम देख लेते हेल्थ की जो इंपॉर्टेंट स्कीम आजकल न्यूज में चल रही है या जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं सो विल टॉक अबाउट दो स्कीम्स छोटा लेक्चर है स्मार्ट

चलो गाइज अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना होगा तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप आप, आप फॉलो करना शुरू कर दीजिएगा यहाँ पे आपको सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे okay, चलो सो लेट स्टार्ट विद सेशन Yes guys, सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हम हेल्थ स्टार्ट करने से पहले वुमेन पहले, पहले एम्पावरमेंट की बात करें महिलाओं के डेवलपमेंट की बात की जाए तो वी हैव सर्टन स्कीम्स हमारे पास कुछ स्कीम्स है ski, आप स्कीम्स के नाम याद देख सकते हो मैं थोड़ा इसको आपको लिए प्रिसाइजली दिखा देता हूँ ध्यान दीजिएगा देखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ द बॉन्डेड लेबर्स देन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुकन्या समृद्धि योजना उज्ज्वला स्कीम्स यही वही है कि उसी का सेकंड पार्ट है uh, इसका 2.0 अभी रिसेंटली अमित शाह साहब ने लॉन्च किया मंथ ऑफ सितंबर में आपको बताएगा जबलपुर के अंदर इसका 2.0 लॉन्च किया गया देन राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट बॉयज सक्षम देन स्कीम स्कीम जेंडर सखी सेंटर ये बहुत चर्चा में होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन ये भी सबको है सो so गाइज मैं यहाँ पे आपको सारे स्कीम्स दिखा देता हूं आज कि भाई कौन सी कौन सी स्कीम्स है आने वाले लेक्चर्स के अंदर हमें डिस्कस करनी है तो इसकी सारी जानकारी आपके पास एक छोटे से शॉर्ट से वीडियो के अंदर रहेगी इसके बात करते हैं इसी एंगल में उड़ान गिविंग विंग्स टू गर्ल्स उड़ान नाम की एक और स्कीम हमारे पास है उड़े देश का आम नागरिक पर वहां पे उसकी बात नहीं हो रही है वुमन में लड़कियों को महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए जर्नी सुरक्षा योजना जर्नी शिशु सुरक्षा योजना देन प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान लक्ष्य लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव Then, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन इनिशिएटिव अम्ब्रेला स्कीम फॉर फैमिली वेलफेयर एंड क्राइम अगेंस्ट प्रिवेंशन ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड ये बार बार चर्चा में होता है स्पेशली ये वाला बिकॉज आजकल साइबर क्राइम बहुत न्यूज में चल रहा है केरला गवर्नमेंट ने तेलंगाना गवर्नमेंट ने कर्नाटक और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हुए जहां पे महिलाओं के अगेंस्ट अगर कोई साइबर क्राइम होता है कोई अगर ऑनलाइन तरीके से महिलाओं के साथ बेस्ड लाइक बदतमीजी से बातें करता है तो उसके ऊपर भी एक्शन ली जाएगी तो ये कुछ स्कीम्स है हमारे पास महिलाओं के लिए वुमन एम्पावरमेंट के लिए तो ऐसे हर सेक्टर के स्कीम्स के नाम आज हम कवर कर लेंगे और कुछ हेल्थ वाले स्कीम्स है उसको भी आज के लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा तो अगेन रिपीट करता हूं कि इन्फॉर्मेटिव लेक्चर है यहाँ पे हम एमसीक्यूज के ऊपर फिलहाल बात नहीं कर रहे सो वी आर गोइंग टू टेक द इनफॉर्मेशन फ्रॉम दिस स्कीम्स चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों के लिए हमारे पास कुछ स्कीम्स है आप देख सकते हो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट हमारे पास है बच्चे भी आ सकते हैं महिला भी आएगी बॉन्डेड लेबर मीन जिनसे हम मजदूरी करवाते हैं या, uh, या जिससे हम लोग गुलामी टाइप का, का काम करवाते हैं वो लोग आएंगे देन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आईसीडीएस इसकी बात बार बार होती है आईसीडीएस आपको बताओ पीएम पोषण पीएम पोषण मीन मिड डे मिल स्कीम का नाम अभी रिसेंटली पीएम पोषण रखा गया है तो पीएम पोषण इज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम तो ये सारी स्कीम्स के ऊपर भी हम लोग आने वाले कुछ लेक्चर्स में बात करेंगे इसके अलावा सीनियर सिटीजन उसके लिए हमारे पास क्या स्कीम से देखिएगा प्रधानमंत्री वयवंदना योजना हमारे पास है जहाँ हम लोग सीनियर सिटिजन का सोशल सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं देन अटल पेंशन योजना है नेशनल पेंशन सिस्टम हमारे पास है जो काफी सालों से काम कर रही है श्रमयोगी मानधन योजना श्रमयोगी मानधन योजना ये बहुत न्यूज में चल रही है चर्चा में चल रही है और इसके अलावा नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स Okay. So, लघु व्यापारी जो हमारे पास है उनके लिए अलग से स्कीम बना के रखे देखिए लघु व्यापारी मानधन जो है वो बिजनेसमैन के लिए छोटे बिजनेस के लिए सो इन दैट वे वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम्स तो ऐसे ऐसे अलग अलग स्कीम्स हमारे पास है फॉर सीनियर सिटीजन सो दैट आफ्टर रिटायरमेंट उनके पास थोड़ी सिक्योरिटी बनी रहे उसके बाद हम लोग बात करेंगे माइनॉरिटीज के लिए भी कुछ स्कीम्स हमारे पास है मौलाना आजाद नेशनल एकेडमी फॉर स्किल्स फॉर द माइनॉरिटीज देन प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम एंड द साइबर ग्राम ये कुछ स्कीम्स है जो माइनॉरिटी के एंगल में इंप्लीमेंट की जाती है माइनॉरिटीज माइनोरिटी रिलीजन माइनॉरिटी कम्युनिटीज उनको डेवलप करने के लिए यह स्कीम्स कुछ है जो इंडिया में इंप्लीमेंट की जाती है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइब्स अब ट्राइबल्स वाली न्यूज आजकल बहुत चर्चा में चलती है ट्राइफेड के ऊपर हम लोग बहुत बार बात करते हैं एकलव या के ऊपर हमारी बहुत बार डिस्कशन होता है अभी देखिए यहाँ पे स्कीम फॉर मैकेनिज्म मार्केटिंग फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के मैंने कहा था क्राइफेड तो फॉरेस्ट जो भी चीजें प्रोड्यूस की जाएगी फॉरेस्ट के अंदर तो वनधन योजना हमारे पास है माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास है तो टिम्बर छोड़ के जो भी चीजें फॉरेस्ट में डेवलप होती है वो माइनर फॉरेस्ट के अंदर आती है तो इनको भी सेल करने के लिए हमारे पास मल्टीपल स्कीम्स है देन uh, वन कल्याण योजना ये काफी पुरानी स्कीम है, ट्राइबल सो अगेन इनके ऊपर भी हम लोग एक लेक्चर आपके लिए लेके आएंगे शॉर्ट लेक्चर में ये सारी स्कीम्स आपके लिए डिस्कस की जाएगी अब सबसे बड़ी बात जिसके ऊपर आजकल आजकल बात हो रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये सर्वे वर्ल्ड बैंक ने बंद कर दिया

सेक्टर स्कीम नेशनल मार्केट एंड इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केट इंडिया को नए रैंकिंग की बात की जाएगी पुराने रैंकिंग के ऊपर no अगर उस रिपोर्ट को ही डिस्कार्ड कर दिया तो उसके रैंकिंग के ऊपर क्वेश्चन बनना यह थोड़ा सा इंपॉसिबल है याद रखेगा तो East ऑफ डूइंग के लिए ये कुछ स्कीम्स हमारे पास है तो दैट इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट सिनारियो। यस नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर so uh, yes, बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास है अब ध्यान दीजिएगा यहां पे सहकार कोटिव इंटरप्राइज सपोर्ट एंड इनोवेटिव स्कीम नाउ ये स्टार्टअप्स के लिए अभी बहुत सारे स्टार्टअप्स इंडिया में स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया हमें पता है पर कोऑपरेटिव सहकार आजकल सहकार की बड़ी बात हो रही है हमारे सहकार मिनिस्टर को जल्दी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए अभी रिसेंटली मोदी साहब ने सहकार मिनिस्ट्री क्रिएट की हुई है और नए मिनिस्टर साहब है और वो भी काफी वर्क कर रहे तो पे युवा सहकार कोऑपरेटिव इंटरप्राइज सपोर्ट एंड इनोवेटिव स्कीम हमारे पास है ये स्कीम कैसे वर्क करेगी आने वाले कुछ लेक्चर्स में इसके ऊपर बात की जाएगी बिकॉज आज हमारा हेल्थ का टॉपिक है ठीक है गाईस? चलो सो so, yes, अमित शाह साहब है जो हमारे सहकार और कोऑपरेटिव मिनिस्टर है इसके बाद स्किल डेवलपमेंट ये तो भाई मोदी साहब का सबसे फेवरेट पार्ट है स्किल डेवलपमेंट पंडित दीनदयाल उपाध्याय संचार कौशल सॉरी कौशल विकास प्रतिष्ठान हमारे पास है दीनदयाल उपाध्याय साहब के नाम पे ये स्कीम हमने बना के रखी है स्कीम फॉर हायर एजुकेशन फॉर यूथ एंड अप्रेंटिसशिप स्किल्स श्रेयस

टेक्निकल एंड लर्निंग ऑफ़ स्ट्रेंद श्रेयस, श्रेयस तो हम वहाँ पे के, अंदर भी और के अंदर भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं टेक्यूब हमारे पास है टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम देन उड़ान बात की थी हमने लड़कियों के स्कीम्स के अंदर उड़ान की बात की थी वही है यहाँ पे लड़कियों के एजुकेशन या एम्पावरमेंट की बात है क्विप्ड हमारे पास है स्ट्राइड। एजुकेशन एजुकेशन में में एक पॉइंट याद रखो, में सारे शॉर्ट फॉर्म फॉर्म फुल कि फिर देखिए यहां दिस ध्रुव नाम का स्कीम हमारे पास है प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव तारा होता है उस एंगल में काम करेगा रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान समग्र शिक्षा अभियान इंडिया में जितनी भी सर्व शिक्षा अभियान है या माध्यमिक शिक्षा अभियान उच्चतर शिक्षा अभियान इन मर्ज करके हमारे पास है समग्र शिक्षा अभियान इंटीग्रेटेड स्कूल एजुकेशन ये भी चर्चा में चल रहा है तो निष्ठा निष्ठा न्यूज में चल रहा था जहां पे स्कूल हेड्स और टीचर उनका एडवांसमेंट किया जाएगा तो स्कूल टीचर्स और हेड्स उनको थोड़ा नॉलेज दिया जाएगा मिड डे मील स्कीम का नाम चेंज कर दिया

Uh, मैं आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है अलग अलग सेक्टर वाइज वो सारे स्कीम्स के नाम दिखा रहा हूं अभी आते हैं हेल्थ हेल्थ के ऊपर पे भी काफी लंबी लिस्ट है स्कीम्स की आज हम इसमें से सारी स्कीम्स डिस्कस नहीं करेंगे पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको आज हम कवर करेंगे और आने वाले कुछ सेशंस में बाकी स्कीम्स को एमसीक्यूज की मदद से कवर किया जाएगा आज इंफॉर्मेटिव लेक्चर है आज एमसीक्यूज नहीं है ध्यान रखिएगा चलो अब देखिए यहां पे हेल्थ में आयुष्मान सहकार स्कीम के नेशनल आयुष मिशन एवरीवन वन नोज सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर द फार्मा फार्मे को ऑफ आयुष ड्रग्स आयुष ड्रग्स गलत तरीके से मार्केट में नहीं आने चाहिए कोरोनिल वाला जो हुआ था वो वापस एक बार इंडिया में ना हो इसलिए फार्मे वेजिलेंस फॉर आयुष ड्रग्स बना के रखा है देन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के ये भी हेल्थ के अंदर एड कर दिया अंतोदय अन्य योजना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगेन मिड डे स्कीम भी कैन द पार्ट ऑफ दैट आयुष्मान भारत जो हम सबसे पहले आज डिस्कस करने वाले तीन साल हो गए ऑफ को को आयुष्मान भारत साल तो उसके ऊपर एक बार बात की जाएगी नेशनल हेल्थ मिशन है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है अर्बन हेल्थ मिशन जननी सुरक्षा योजना एंड जननी शिशु सुरक्षा योजना ऐसी कुछ स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट करता है इसके अलावा देखिए Uh, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान यूनिवर्सल इम्यूनेशन प्रोग्राम मिशन इंद्रधनुष जहां पे वैक्सीन दिए जाएंगे छोटे बच्चों को तो इसके ऊपर काफी क्वेश्चन है जो एग्जाम में बनते हैं सो विल टॉक अबाउट दैट देन किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम देन वी टॉक अबाउट लक्ष्य देन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन

इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क पर फिलहाल कोविड नाइनटीन में सडनली चर्चा में आ गया तो क्वेश्चन तो बनेगा एक और है आ, Yes, राष्ट्रीय आरोग्य निधि अब राष्ट्रीय आरोग्य निधि की बात करेंगे राष्ट्रीय आरोग्य निधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय हम लोग बहुत बार टैक्सेशन के थ्रू कुछ पैसा कलेक्ट करते हैं जो पैसा हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाएगा तो फोर परसेंट सेव हम लोग कलेक्ट करेक्ट करते वो पैसा राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंदर जमा किया जाएगा और अलग अलग हॉस्पिटल या बाकी जगहों पर प्रोवाइड करते इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम हमारे पास है वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल स्वच्छ भारत मिशन एंड सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल प्रोग्राम साथ साथ की बात की जाएगी तो हेल्थ एंगल में ये कुछ स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट करती है तो गाइज बस इन्हीं के बारे में आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी अभी फिलहाल एनवायरमेंट बहुत न्यूज में चल रहा है आपने देखा होगा अभी एनवायरमेंट की सारी मीटिंग्स होने वाली है ग्लॉसगो के अंदर एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस है अब जितना एनवायरमेंटल न्यूज में रहेगा उतना एनवायरमेंटल एंगल में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंगल में एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ध्यान रखेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो और एनवायरमेंट ये दोनों चीजें बहुत मैटर करेगी एग्जाम के लिए सो विल टॉक दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट डेवलपमेंट करिए पर इस तरीके से करिए कि आने वाले जनरेशन को भी उसका फायदा मिल सके सो लेट्स सी ओवर प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन इंस्टीट्यूट मेके अब बात करते हैं ना कृषि के अंदर मैकेनाइजेशन मशीन का यूज करना है अभी विंटर स्टार्ट होगा तब पंजाब हरियाणा वहां पे जो रेसिड्यूज जलाए जाते हैं तो इनको रोकने के लिए क्रॉप रेसिड्यूस का जलाना रोकने के लिए मशीन का यूज किया जाएगा सो वी हैव द स्कीम फॉर दैट उसमें सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो आजकल क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे बचने के लिए एग्रीकल्चर का सिनारियो है परंपरागत कृषि विकास योजना ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात होती है सॉइल हेल्थ कार्ड हमारे पास है देन पेस्ट एंड मैनेजमेंट अप्रोच नाउ पेस्ट कंट्रोलिंग के एंगल में देन क्लाइमेट रेजिलियस मैंने पहले भी कहा था जी जेडबी एन एफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इसकी बात यहां पे की जाती है देन वी हैव दिस हिमालयन रेंज एरियाज जो है वहां के फार्मिंग के लिए देन क्लीन एयर प्रोग्राम डेरी इंटरप्राइज डेवलपमेंट जल जीवन मिशन यस जल जीवन मिशन भी हमारे सस्टेनेबल uh, डेवलपमेंट का पार्ट है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का पार्ट है नमामि गंगा नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट इसके लिए आजकल हेलीकॉप्टर का यूज करना शुरू कर दिया हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के लिए ताकि कहां पर ग्राउंड वाटर है अटल भूजल योजना ग्राउंड वाटर उसकी हमें पहचान मिल सके देन किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान पीएम कुसुम नेक्टेड टू रूफ टॉप रूफटॉप के ऊपर सोलर पैनल्स लगाने के लिए जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन के स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क अटल ज्योति योजना डेवलपमेंट ऑफ सोलर सिटीज स्कीम प्रधानमंत्री जी वन जहा पे हम लोग बात करते जो वन है यहाँ पे हम लोग फसल फसल के लिए आपको कुछ सब्सिडीज यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी सिड्स प्रोवाइड की जाएगी नेशनल गैस ग्रिड नेशनल लीड प्रोग्राम के एलईडी एलईडी लाइट्स की बात की जाएगी उन्नत जो एफोर्डेबल इंप्लीमेंट किया था अभी फिलहाल ये पॉज मोड पे एंड स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम तो ऐसी कुछ स्कीम्स है हमारे पास एनवायरमेंट प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंगल में तो यहां पे भी कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके लिए बन जाते हैं ठीक है ठीके? चलो गाइस तो ध्यान रखिएगा दीज आर द थिंग्स विच आर रियली वेरी इंपोर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू

फाइन यस देखिए ये सीरीज है ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी कि कौन सी कौन सी योजना है जो हमें डिस्कस करनी पड़ेगी के okay. अभी जिनको इंफॉर्मेटिव वे में पढ़ना है जिनको सही में योजनाओं के बारे में नॉलेज लेना है तो वो लोग इसको ज्वाइन करेंगे बट है कुछ लोग होते हैं जिनको केवल एमसीक्यूज से मतलब होता है कि तो एमसीक्यूज हम बाद में लेके आएंगे बट फिलहाल अभी हम इंफॉर्मेटिव एंगल में बात करते हैं तो हेल्थ स्कीम्स आज आपके सामने कुछ एक इंपॉर्टेंट हेल्थ स्कीम्स के ऊपर बात करेंगे सारी स्कीम्स आज कवर नहीं हो सकती तो वी आर गोइंग टू कवर सम इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो एग्जाम में पूछी जाती है चलो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले बात करेंगे आयुष्मान भारत की तीन साल हो गए आयुष्मान भारत को 23th ऑफ सितंबर 2018 को इस स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था इस स्कीम के दो पर्पस है दो पर्पस इस स्कीम के अंदर ध्यान रखिएगा पहला पर्पस है कि यहाँ पे वेलनेस सेंटर ओपन किए जाए वेलनेस सेंटर ओपन करना ये पहला पर्पस है जहां पे ट्रीटमेंट आपको मिल सकती है ये वेलनेस सेंटर हमने आयुष के साथ लिंक करवा दिए आयुष्मान भारत इज डिफरेंट आयुष मिनिस्ट्री इज डिफरेंट आयुष्मान भारत के वेलनेस सेंटर को आयुष के साथ लिंक कर दिया इसका मतलब आयुर्वेदा योगा यूनानी सिद्धा ये भी ट्रीटमेंट्स आपको आयुष्मान भारत के अंदर अभी मिल सकती है ये हमने यहां पे प्रयोजन किया हुआ है दूसरा यहां पे पांच लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा अप टू फाइव लैक्स का हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग प्रोवाइड करते गरीब फैमिलीज़ को तो 2011 का जो जनगणना हुआ था उस जनगणना के हिसाब से जो बीपीएल लेवल पे आते उन फैमिलीज को पांच लाख का हेल्थ इंश्योरेंस यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है और यह पॉइंट यहां पे मैंशन किया गया है ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे द ऑब्जेक्ट टू अचीव द विजन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज To meet मीट Sustainable Development Goals, it is underlining commitment which is to leave no one behind. बिहाइंड यह question exam में आया था leave no one behind ye कौन से योजना का tagline है किसी को पीछे नहीं छोड़ना है ये कौन से योजना का टैगलाइन है और यहाँ पे आंसर है दोस्तों आयुष्मान भारत तो आयुष्मान भारत के अंदर हम लोग ये, ये टैगलाइन यूज करते हैं लिव नो वन बिहाइंड किसी को पीछे नहीं छोड़ना है सबको इंडिया के हेल्थ सिस्टम के अंदर इंक्लूड करना है और यह पॉइंट यहां पे मेंशन किया जाता है ठीक है याद रखिए अच्छे से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है नाउ नेशनल हेल्थ हेल्थ पॉलिसी इसके अंदर यूनिवर्सल कवरेज यह पॉइंट हमारे पास है नेशनल हेल्थ पॉलिसी सत्रह में लाई गई थी उसके अंदर यूनिवर्सल कवरेज अब यूनिवर्सल कवरेज का मतलब क्या होता है ध्यान दो जिसके लिए आयुष्मान भारत लॉन्च किया गया प्राइमरी हेल्थ केयर सेकेंडरी हेल्थ केयर एंड टर्सरी हेल्थ केयर ऐसे तीन हेल्थ केयर हमारे पास है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी प्राइमरी के अंदर क्या होती है डायग्नोसिस प्राइमरी के अंदर हम लोग करते हैं डायग्नोसिस जैसे ना आप डॉक्टर के पास चले गए तो भाई बुखार उखार होगा तो डॉक्टर चेक करेगा आपको दवाई देके घर भेज देगा ये प्राइमरी में आ गया इंडिया में प्राइमरी हेल्थ केयर पहले से फ्री है पहले से फ्री है सेकेंडरी का मतलब है आपकी डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे ब्लड टेस्ट करवा दी यूरिन टेस्ट है एक्सरे करवा दिया या कोविड का टेस्ट है ये सेकेंडरी हेल्थ केयर में आता है ये इंडिया में फ्री नहीं है कि आयुष्मान भारत के अंदर ये भी सुविधा आपको हेल्थ इंश्योरेंस में कवर की जाएगी ताकि गरीब इंसान को डायग्नोस्टिक टेस्ट ये सस्ते में मिल जाए और टर्चरी में क्या आता है टर्चरी के अंदर आता है आपके ऑपरेशन के? और ऑपरेशन वाला सिस्टम भी फ्री में नहीं था और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर ये गरीब इंसान को एक कम दाम में मिले या उसको फ्री में मिले फॉर दैट रीजन आयुष्मान भारत को ऐड किया गया तो याद रखना यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सारी चीजें कवर होनी चाहिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड सेकेंडरी टर्शरी ये इंक्लूड किया गया है हमारे आयुष्मान भारत में प्राइमरी वैसे भी इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है चलो आगे बढ़ेंगे अब ध्यान दीजिए यहां पे कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है टू अंडरटेक द पाथ ब्रेकिंग इंटरवेंशन टू होलिस्टिकली एड्रेस द the healthcare system. होलिस्टिकली सब कुछ कवर करना प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी कहा था मैंने आपको एवरीथिंग वी नीड टू कवर यहाँ पे एम्बुलेंस का केयर होगा प्रमोशन प्रिवेंशन डैम एवरीथिंग वैक्सीन से लेके आपके सर्जरी तक सब कुछ कवर होना चाहिए इसीलिए आयुष्मान भारत है इसीलिए हमारे पास ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है ठीक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एंड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अब जन आरोग्य योजना के अंदर क्या होता है यहां पे आपको पांच लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जैसे किसी ने कमेंट सेक्शन में कहा हुआ है कि कर्नाटका में सबसे ज्यादा हेल्थ और वेलनेस सेंटर ओपन किए लास्ट ईयर तो उनको वैसे भी अवार्ड मिल चुका है नीति आयोग ने यह डेटा दिया था हमें कि सबसे ज्यादा हेल्थ और वेलनेस सेंटर कौन से स्टेट ने ओपन किए थे तो आंसर यहां पर होगा के के एक बात याद रखना ये सबके लिए फ्री नहीं है जिनको आयुष्मान भारत के अंदर जो लोग आते हैं उनके लिए रहेगा और हर हर ट्रीटमेंट फ्री नहीं होती है कुछ चीजें सब्सिडाइज रेट में मिलेगी कम दाम में ट्रीटमेंट मिलेगा तो पांच लाख का जो हेल्थ इंश्योरेंस है उस हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर हमने सेकेंडरी टर्सरी हेल्थ केयर को इंक्लूड किया है और जो वेलनेस सेंटर है यहां पे प्राइमरी हेल्थ केयर की सुविधा मिलेगी कि याद रखना जो वेलनेस सेंटर पे प्राइमरी हेल्थ केयर जो लाख का हेल्थ इंश्योरेंस जिनको मिलता है उनके लिए सेकेंडरी और टर्शरी की बात की सबके लिए नहीं है नहीं तो जाके भाई डॉक्टर से झगड़ा करोगे ऐसा नहीं होता है ठीक है दूसरा अभी तीन साल हो गए सितंबर को तीन साल हो गए उसी तेईस सितंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल मिशन लॉन्च किया है तो आयुष्मान भारत का डिजिटल मिशन अभी लॉन्च किया गया जिसके अंदर आपको डिजिटल आयुष्मान कार्ड दिए जाएंगे आयुष्मान हेल्थ कार्ड डिजिटल आयुष्मान हेल्थ कार्ड जैसे हमारे पास आधार कार्ड होता है पैन कार्ड है वैसे ही अभी डिजिटल आयुष्मान हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किया गया ये अभी लॉन्च किया गया तेईस सेप्टेम्बर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा ठीक है आगे बढ़ते देखिए, एम टू डिलीवर कॉम्प्रेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था देन फ्री एसेंशियल ड्रग्स कम्युनिकेबल डिजीजेस डायग्नोस्टिक सर्विस भी प्रोवाइड की जाएगी यहां पर मैटर्नल चाइल्ड हेल्थ केयर जब मैंने कहा आपको यूनिवर्सल कवरेज तो सारी चीजें इसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगी ना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड अब यह बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है क्या है यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मीन जो पांच लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है वह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इसका मतलब इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा इंप्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट करेगा पर पैसा पैसा कौन देगा यहां पे आपको सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड करने वाली है तो फंड विल बी बाय इंप्लीमेंटेशन विल बी डन बाय स्टेट गवर्नमेंट तो यहां पर सेंट्रल स्टेट मिलकर इसको इंप्लीमेंट करेगा के okay. दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम हमारे पास है दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम हमारे पास है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या जिसको आयुष्मान भारत भी कहा जाता है अब इसका फायदा किसे मिलेगा 2011 का जो सेंसस था जनगणना थी उसमें जो गरीब कैटेगरी में आते जो डिप्राउड कैटेगरी में आते उन्हीं को यह मिलेगा यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि ऑन विच बेसिस बेसिस है सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 आदि जनता को पता नहीं होता है एंड दैट्स यहां पे बहुत बार दिक्कत जाती है तो ये एक और पॉइंट थोड़ा आप एग्जाम के लिए याद रखिए चलो Now, uh, अब इसको जब हमने क्रिएट किया आयुष्मान भारत को जब क्रिएट किया तो हमारे पास ऑलरेडी एक स्कीम थी नाम था राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इसको मर्ज किया गया के इस स्कीम को बंद किया और उसके जगह पे हमने आयुष्मान भारत या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उसको लॉन्च किया यह भी क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में और एनडीए के एग्जाम में पूछा गया था पर काफी सालों पहले कि, कि आयुष्मान भारत लॉन्च जब हमने किया तो ये किस योजना को मर्ज करके तो ऑब्वियसली जब आयुष्मान भारत लॉन्च हुआ था वो साल में यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था ध्यान रखिएगा ठीक है यस अभी आयुष्मान भारत योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है ये इंप्लीमेंटिंग बॉडी है और इसके सीईओ ये कौन है कोई बताएगा मुझे कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी या फिर आयुष्मान भारत इसके सीईओ कौन है जल्दी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए बिकॉज यहां पे सीईओ अपॉइंट किए गए जिनकी मदद से इस योजना को लोगों तक इंप्लीमेंट किया जाता है यस okay. गाइज yes, देखिए जो आपने वेस्ट बंगाल का नाम लिखा है स्वास्थ्य साथी के ये वही भारती है आयुष्मान भारत बस आयुष्मान भारत का नाम स्टेट वालों ने चेंज करवा दिया ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है जब उस स्कीम को इंप्लीमेंट करती है तो अपने एंगल में कुछ चीजें ऐड करके नाम चेंज करवा देती है तो इस तरीके से काम करता है यस आर एस शर्मा के आर एस शर्मा साहब है जो फिलहाल इसके सीईओ और इंचार्ज है बहुत बढ़िया दोस्तों वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आंसर का चलो अब ध्यान दीजिए

कर्नाटक का सबसे टॉप मोस्ट है बिकॉज बहुत अच्छे सेंटर ओपन किए और यह आपके पास है जना आरोग्य योजना के अब देखिए मोदी साहब ने रिसेंटली एक पॉइंट मेंशन किया लाल किले में जब उनका स्पीच था पंद्रह अगस्त का तो उन्होंने एक पॉइंट मेंशन किया था कि इस योजना में अभी हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इंक्लूड करना है ऑलरेडी है प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हमें इंक्लूड करना है जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स इसके अंदर आ जाएंगे के तो उतना ट्रीटमेंट बहुत जल्दी गरीब इंसान को मिल पाएगी देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स नॉर्मल पेशेंट का भी ट्रीटमेंट करेंगे और इन पेशेंट का भी ट्रीटमेंट किया जाएगा इनका जो भी खर्चा है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी तो प्राइवेट का नुकसान भी नहीं है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मैक्सिमम नंबर पे इसके अंदर इंक्लूड करना है ऐसा मोदी साहब ने एम रखा हुआ है यह भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं ठीक है ठीके? चलो आ, यस तो यह था आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य या फिर आयुष्मान भारत जिसे कहते हैं उसकी बात यहां पर की गई ठीक है अभी आगे बढ़ते हैं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि अब ये योजना नहीं है ये फंड है ये योजना नहीं है यह फंड है ये पैसा है यहां पे देखिए रिजर्व फंड होता है सपोज कल सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इनफ बजट नहीं है इंडिया में हेल्थ सेक्टर के लिए तो ऑलरेडी एक फंड बना के रखा हुआ है ये नॉन लैपसेबल फंड है नॉन लैपसेबल का मतलब क्या है अगर सपोज इस साल हम इस फंड का पैसा यूज नहीं कर पाए तो यह पैसा नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा तो नॉर्मली इंडिया में क्या होता है बजट के पहले अगर पैसा बचा तो सारा पैसा वापस गवर्नमेंट के पास जाता है वापस गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जाता है पर ये नॉन लैपल फंड है अगर सपोज इसका पैसा खर्च नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर ये कैरी फॉरवर्ड होगा आपको पता है हमारे पास निर्भया फंड है निर्भया फंड महिलाओं के आ, सेफ्टी के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वो भी फंड नॉन लैपसेबल है और स्वास्थ्य निधि फंड भी नॉन लैपसेबल है याद रखेगा के अब ये पैसा आता कहां से इस फंड के अंदर पैसा कहां से आता है health and education तो इंडिया में हम लोग हर टैक्स के ऊपर इनकम टैक्स होगा कोई भी टैक्स होगा उसके ऊपर चार परसेंट का फोर परसेंट का एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाते जिसको हम लोग कहते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेज ध्यान दीजिएगा वन मिनट हम पे लिखा सेज

सरचर जब कलेट करते तो किसी चीज का नाम नहीं होता है इसलिए उसको टैक्स 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 तो कलेक्ट किया जाएगा वही पैसा हम लोग सुरक्षा निधि के अंदर यूज करते हैं ध्यान रखिएगा ठीक है चलो अब देखिए द एक्यूर इंटू पी विल बी यूटिलाइज फॉर द फ्लैगशिप स्कीम्स लाइक आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ मिशन प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना एक्सेट्रा देखिए एक बात याद रखना कहीं भी अगर इंडिया में हेल्थ इमरजेंसी आती है या किसी योजना के अंदर पैसा कम पड़ जाता है तो वो टाइम पे इस निधि में से पैसा निकाला जाएगा इसको सडनली यूज नहीं करते इसको रखते ये रिजर्व फंड देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है रिजर्व फंड तो इसको रिजर्व में रखेंगे अगर जरूरत पड़ी अगर इमरजेंसी आ गई तो इस फंड में से पैसा निकाला जाएगा और वो पैसा हम लोग यूज करेंगे दैट इज अ केस ठीक है तो ये सिग्निफिकेंस है ये रीजन है बस वो चार परसेंट वाला पॉइंट याद रखेगा जिसको हम लोग कहते हैं आपको हेल्पफुल रहेगा ठीक है yes, By the way, ये जो लेक्चर चल रहा है ये सारी एग्जाम्स के लिए चल रहा है अगर कहीं पे स्कीम्स वाले लेक्चर चल रहे तो भाई उसके लिए कोई एग्जाम जस्टिफाइबल नहीं सारे एग्जाम्स के लिए वो लेक्चर चलने वाला है तो ये क्वेश्चंस पूछना बंद कर दीजिए ठीक है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पे 90 परसेंट लोग गलती करके आते एग्जाम में 90 लोग बताने के बावजूद गलती करके आते दो हजार में स्कीम को लॉन्च किया था प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ये स्कीम किसी को ट्रीटमेंट देने के लिए नहीं है ये स्कीम इंडिया में एम्स कॉलेजेस क्रिएट करने के लिए या एम्स लाइक मेडिकल कॉलेज इंडिया में क्रिएट करने के लिए हमारे पास प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है 20 एम्स वर्किंग है चार एम्स अंडर कंस्ट्रक्शन है और बीस सेम इंडिया के अंदर प्रधानमंत्री तो, एम्स एम्स तो वो हमेशा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंदर आता है स्टूडेंट्स गड़बड़ कहा करते हमारे एग्जाम देने वाले दोस्त गड़बड़ कहा करते उनकी गड़बड़ होती है कि यहाँ पे स्वास्थ्य सुरक्षा देख लिया उनको लगता है कि यहाँ पे इंजेक्शन देंगे मेडिसिन देंगे ट्रीटमेंट करेंगे या फिर आपको कुछ भी हेल्प की जाएगी नहीं यहां पे कॉलेजेस क्रिएट किए जा रहे हैं, सो so दैट आने वाली जनरेशन अच्छे से डॉक्टर्स बने या अच्छे डॉक्टर्स इंडिया में बने प्लस ट्रीटमेंट जो रहेगी वो हाई क्वालिटी बने पर यहां पर कॉलेज क्रिएट करना यह मेन पर्पज रहेगा ध्यान रखिएगा ठीक है आगे बढ़ते की जरूरत नहीं देखिए न्यू एम्स एंड अपग्रेडेशन ऑफ द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ वेरियस स्टेट तो यहाँ पे नया एम्स क्रिएट करना और जो एग्जिस्टिंग कॉलेज है उनको अपग्रेड करना ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का एम है उसका पर्पज है ध्यान रखिए तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि दूसरा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ये तीन बड़ी स्कीम्स मेन स्कीम्स है जो अभी तक कवर की हुई है इस पर गड़बड़ मत कीजिए एक और स्टेट के अंदर जो भी मेडिकल कॉलेज है उनको भी इसके अंदर मदद की जाती है उनको भी इसके अंदर सपोर्ट होता है याद है आपको रिसेंटली मोदी साहब राजस्थान गए थे और राजस्थान के अंदर जयपुर में एक पेट्रोकेमिकल कॉलेज का इनॉग्रेशन किया साथ में चार मेडिकल कॉलेज का भी इनोग्रेशन किया वो जो मेडिकल कॉलेज है वो भी इसी योजना के अंदर क्रिएट किए गए इसी योजना की मदद से क्रिएट किए गए तो वहां पर आपकी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ठीक है आगे बढ़ते नेशनल हेल्थ मिशन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल हेल्थ मिशन अब इंडिया में जितनी भी योजनाएं लगती है ये इसी मिशन के अंदर लगती है कि जितनी भी आयुष्मान भारत होगा या फिर सुरक्षा निधि होगा या कोई भी छोटी बड़ी स्कीम होती है वो सारी स्कीम्स हम लोग नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं इसमें दो पार्ट है एक अर्बन मिशन होता है और एक रूरल मिशन होता है ना प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल वैसे नेशनल हेल्थ मिशन अर्बन एज वेल एज रूरल अब देखिए यहां पे इल्ड मैटरनल मोर्टेलिटी के छोटे बच्चों का या जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनकी डेथ या पे प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नॉन कम्युनिकेबल का मतलब है हार्ट का प्रॉब्लम होगा डायबिटीज कैंसर ये नॉन कम्युनिकेबल के अंदर आते हैं तो इन सबको रोकने के लिए हमारे पास है इसको आयुष के साथ भी लिंक कर दिया गया आयुष आयुर्वेदा योगा यूनानी सिद्धा होम्योपैथी देखिए मैं बार बार इसको अलग से क्यों मेंशन कर रहा हूं बिकॉज ये जितनी भी स्कीम्स है ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आती है और आयुष मिनिस्ट्री इंडिया में अलग से काम करती है सर्बानंद सोनवाल साहब अलग से मिनिस्ट्री को हैंडल करते हैं और हेल्थ मिनिस्ट्री हमारे यस हेल्थ मिनिस्टर साहब का नाम कोई बताएगा मुझे जल्दी से पहले वो पोर्ट मिनिस्टर थे अभी उनके पास हेल्थ मिनिस्ट्री आ चुकी है प्रमोशन हो गया मंदि साहब यस मनसुख मंदिआ साहब है जिनके पास हेल्थ मिनिस्ट्री है तो दोनों मिनिस्ट्री अलग से काम करती है और बहुत बार साथ में मिलकर पे वर्क करेंगे देखिए प्रमोशन ऑफ हेल्थी लाइफ नेशनल हेल्थ मिशन केवल आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आपकी लाइफस्टाइल कितनी हेल्दी होनी चाहिए इसका भी आपको नॉलेज दिया जाएगा आपके डाइट के ऊपर आपके न्यूट्रिशन के ऊपर भी पे पे आपको मदद की जाएगी और यही पॉइंट आता है है ठीक चलो वेरी गुड uh, अब देखिए अब सबसे बड़ा पॉइंट फंडिंग कैसे होती है इस मिशन के अंदर पैसा कैसे मिलता है देखिए आयुष्मान भारत के अंदर कहा था मैंने कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पैसा देगी स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी फंडिंग देखिए सिक्सटीज टू फोर्टी सिक्सटीज टू फोर्टी का फंडिंग मिलेगा अगर आपका स्टेट हिली स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में हिली स्टेट अगर है तो नाइन्टीज टू टेन का फंडिंग रहेगा और बाकी स्टेट्स के लिए सिक्सटीज टू फोर बिकॉज जो हिली स्टेट्स है वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कतें जाती है नॉर्थ ईस्ट का स्टेट से इतना डेवलपमेंट नहीं है तो ऐसे स्टेट्स को नाइन्टीज टू टेन मीन्स नब्बे परसेंट पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी दस परसेंट स्टेट को खर्च करना पड़ेगा और जो बाकी बचे हुए स्टेट से यूपी बिहार महाराष्ट्र गुजरात तमिलनाडु या, तमिल या कर्नाटका इनको सिक्सटीज टू फोर्टी है साठ परसेंट पैसा गवर्नमेंट देगी और फोर्टी परसेंट पैसा स्टेट गवर्नमेंट को अपने जेब से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और यह पॉइंट यहां पे है ठीक है अब देखिए नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर क्या क्या आता है उसका पूरा का पूरा एक डेटा यहां डाल के रखा हुआ है आशा वर्कर्स पता होगा आपको आशा वर्कर्स के, जननी सुरक्षा योजना हमारे पास है जननी शिशु सुरक्षा योजना नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट होता है ना एम्बुलेंसेस होती है लास्ट टाइम छत्तीसगढ़ के अंदर प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए और ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के लिए इसका यूज किया गया था तो बहुत चर्चा में हुआ था देन राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम मदर एंड चाइल्ड हेल्थ विंग रिपोर्डक्टिव मैटर्नल न्यू बोर्न हेल्थ एंड एडोलेसन फ्री ड्रग्स एंड फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज देन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नॉलेज सेंटर एंड आयुष मैंने कहा था आयुष को भी इंक्लूड किया गया है तो नेशनल हेल्थ मिशन ये क्वेश्चन ना एग्जाम में आया था आयुष को लेकर

न्यूट्रिशन के एंगल में हेल्थ के एंगल में कभी कभी इलेक्शन के लिए भी यूज कर देंगे तो अंगनबाड़ी का जो काम है वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है उनका काम रेस्ट्रिक्टेड नहीं है आशा वर्कर्स का काम जो स्पेसिफिकली है है वो रेस्ट्रिक्टेड हेल्थ एक्टिविस्ट पर आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो बनाया गया है वो मल्टीपल पर्पस से बनाया गया बिकॉज वहां की लोकल लेडी है वो आशा वर्कर की तरह भी काम करेगी वो एजुकेशन के लिए भी काम करेगी वो डिफरेंट एंगल में काम करेगी तो उनका जॉब जो होता है वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता है याद रखेगा ठीक है चलो आ, भाई हम ग्रेट है कि नहीं है वो मैटर नहीं करता अभी फिलहाल एग्जाम के तरफ ध्यान दो और स्पैम मत करो प्लीज के तो आप अगर मेरी तारीफ करोगे तो मैं उसमें आसमान से उड़ बुझाऊंगा ऐसा बिल्कुल नहीं है प्लीज उसको रोक दीजिए के और थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा के नहीं तो सौरभ साहब हमें आपको आ, आ, ब्लॉक करवाना पड़ेगा प्लीज डोंट डू दैट यस दो सब स्कीम्स हमारे पास है देखिए मैंने कहा था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो सर मैंने आपको मैं वी हैव टू सब स्कीम्स अंडर नेशनल हेल्थ मिशन दोस्तों यह भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाएगा याद रखेगा देखिए मैंने आपको कहा था इविन इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क के ये भी इसी के अंदर आता है तो कहां पर कितने वैक्सीन है कहाँ पे वैक्सीन का स्टॉक है कहां पे नहीं है कोविड 19 में आपने तो कहा से, से मिलता है पर जो कोविन ऐप है ये इसके साथ लिंक्ड है कॉल एज इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क ये काफी पहले से हमने बना के रखा हुआ है और इसी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से हमें पता चलता है तो कोविन ऐप ये नाम दे दिया भैया ऐप बना लिया पर पहले से हमारे पास ऐसी सिस्टम थी पहले से वर्क कर रही थी एंड ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आता है ध्यान रखिए ठीक है चलो क्लियर यस नाउ अभी ये ये मुझे आपके साथ डिस्कस करना है बाय द वे नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर जो हमारा होगा उसके अंदर हम इन स्कीम्स के ऊपर बात करने वाले नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के इसके अंदर ये सारी स्कीम्स आती है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आपको मैंने दिखाया था नेशनल हेल्थ मिशन कि नेशनल हेल्थ मिशन का ही सब कुछ है सब कुछ वही है कुछ अलग नहीं है पर ना एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछते तो बड़ा खतरनाक पूछते पता है एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आता नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर नेशनल हेल्थ रूरल मिशन आता है के okay, तो नेशनल हेल्थ रूरल मिशन के अंदर कौन सी कौन सी स्कीम्स आती है आप देखो यहां पर नाम देखिए ये सारे नाम हमने अभी थोड़ी देर पहले नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर देखे थे देखे थे के okay, अब स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों क्यों वापस कंफ्यूज होते हैं कंफ्यूज आप मत होइएगा चाहे नेशनल हेल्थ रूरल मिशन रहे या नेशनल हेल्थ अर्बन मिशन रहे बस इंप्लीमेंट करने का तरीका अलग रहेगा बट पॉलिसी तो सेम रहेगी ना कि पे पे आशा वर्क तो उषा रहेगी जो अर्बन आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज मत होगा जैसे हमारे पुराने स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए थे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत यहां पे नहीं पड़ेगी ठीक है चलो जननी सुरक्षा योजना अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है

के? अब वो दाई को इतना एक्सपर्टी नहीं होती है, है? ठीक उसने आज तक शायद सौ प्रेगनेंसी करवाई होगी पर उसको मेडिकल साइंस का नॉलेज नहीं है सपोज कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गए सपोज ब्लीडिंग हो गया वो क्या करेगी नहीं कर पाएगी ना और घर के अंदर जब आप करते हो तो भाई वो जो अंबलिकल कॉड है नाल जो होती है उसको काटने के लिए आप क्या यूज करोगे वो डिस नहीं है नहीं पता हमें तो के वजह आंगनवाड़ी तो तो वर्कर आशा वर्कर इनको हमने ट्रेनिंग देकर रखा है कि बेसिक डिलीवरी आप हैंडल कर सके ताकि इंस्टीट्यूशनल या सही तरीके से यहां पे काम हो सके के। अब देखिए इसमें क्या क्या आता है प्रेग्नेंट वुमेन्स सॉरी प्रेग्नेंट वुमेन आर एंटाइटल फॉर फ्री ड्रग एंड कंज्यूमेबल्स फ्री डायग्नोस्टिक फ्री ब्लड विच एवर रिक्वायर्ड एंड फ्री डायट अपू थ्री डेज फॉर द नॉर्मल डिलीवरी एंड सेवन डेज फॉर द सी सेक्शन अगर सपोज सी सेक्शन होता है अगर शायद ऑपरेशन करना पड़ता है तो सात दिन का डाइट मिलेगा नॉर्मल डिलीवरी है तो तीन दिन का डाइट दिया जाएगा सो दैट प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा सा न्यूट्रिशनल कैपेसिटी बढ़ जाए देखिए अगेन ये डिलीवरी के लिए तो डिलीवरी के वक्त में जो आ, आ, जो हादसे होते उन हादसों को रोकने के लिए यह हमारे पास योजना है सिमिलर एंटरटेनमेंट फॉर ऑल सिक न्यू बोर्न एंड इनफंट अगर कोई न्यू बॉर्न सीख है या या जो इनफंट है वो सीख है तो उसको भी यहां पे दिया जाएगा फ्री ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द होम टू इंस्टीट्यूशन

जननी सुरक्षा योजना में एंबुलेंस वालों ने पैसा मांगा कि भाई हमें पैसा दे दो हम एंबुलेंस लेके आ गए ये अलाउड नहीं है के अब यहां पे कैश नहीं मिलती जननी सुरक्षा योजना के अंदर कैश नहीं मिलती यहां पे आपको देखिए हेट हैज नो कंपोनेंट फॉर द कैश असिस्टेंस विद इन इट तो यहां पे आपको फूड मिलेगा आपको मेडिसिन मिलेंगे आपको ट्रीटमेंट मिलेगी पर यहां पे कैश नहीं मिलती ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि जननी सुरक्षा योजना के अंदर कितना अमाउंट मिलता है लोगों ने छे हजार पांच हजार दस हजार पता नहीं कहां से लेके आए थे okay, और बोल भी रहे नहीं सर हमने पढ़ा था कहीं पे भैया यहां पे कैश कॉम्पोनेट नहीं है यहां पे आंसर रहेगा नन ऑफ दी अबाउ ठीक है तो यहां पे याद रखेगा यहां पे कैश कॉम्पोनेंट नहीं आएंगे आ, <coughs> चलो नाउ मिशन इंद्रधनुष की बात करते हैं अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है मिशन इंद्रधनुष यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यहाँ पे UIP का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम टीकाकरण पे की बात हो रही है कोविड नाइनटीन नहीं कोविड नाइन्टीन छोड़ के जो बाकी बच्चे वैक्सीन एक प्रेगनेंट लेडी के लिए और उसके न्यू बॉर्न बेबी के लिए जो वैक्सीन की जरूरत है वो हमारे मिशन इंद्रधनुष के अंदर आएगा ध्यान रखिएगा ठीक है चलो अब इस स्कीम को हमने 2014 में लॉन्च किया था 2014 में आपको पता है 2014 में दो इंद्रधनुष लॉन्च हुए थे दो इंद्रधनुष के सो so, जेटली साहब तब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे के? उन्होंने बजट के थ्रू बताया था कि भाई इंडिया में दो इंद्रधनुष लॉन्च करते एक इंद्रधनुष ये वैक्सीन के लिए था जिसकी हम बात कर रहे दूसरा इंद्रधनुष बंद हो चुका है दूसरा इंद्रधनुष खत्म हो गया वो था पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक

19 और 3.0 2021 तो अभी मंथ ऑफ फेब में हमने आईएमआई 3.0 लॉन्च किया हुआ है ओके okay. इसमें टारगेट 90% परसेंट फुल इम्यूनेशन हमें कवर करना है चिल्ड्रन प्रेग्नेंट वुमेन जिनका वैक्सीन मिस हो गया के okay. ऐसे डिस्ट्रिक्ट ना एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होते हैं जहां पे सुविधाएं नहीं मिलती उन डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से कवर करना है तो फिलहाल हमारे पास 3.0 ये लॉन्च किया गया ध्यान रखिएगा देखिए Since the first phase, MI was vaccinated by 37.64 million children and 9.46 million pregnant women. अभी तक कितने लोगों को वैक्सीन मिला इसका डेटा भी हमारे पास है और ये डेटा यहाँ पे दिया गया था मंथ ऑफ फेब 2021 अभी इसी साल दिया गया है तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो मिशन इंद्रधनुष है उसका 3.0 फिलहाल वर्क कर रहा है ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन हमारे पास आएंगे तरुण वो इसके अंदर नहीं आता वो अलग स्कीम है मेरे दोस्त वो अलग स्कीम है के, वो स्कीम होती है न्यूट्रिशन के एंगल में इस स्कीम के अंदर पैसा नहीं मिलता वो मात्रु वंदना योजना है मात्रु वंदना योजना के अंदर छह हजार मिलते हैं मैं इसीलिए कहता हूं कंफ्यूज मत रहिए, कि यहां पे यहां पे ये यह जो डेटा लिखा ना ये मेरा डेटा नहीं है ये जो यहां पे लिखा है ये गवर्नमेंट के वेबसाइट पे लिखा गया है कि नो कैश कॉम्पोन और वो जो पैसा मिलता है वो मातृ वंदना योजना के अंदर मिलता है वो पैसा आपको जननी सुरक्षा योजना के अंदर नहीं मिलता ये याद कि यही गड़बड़ होती है एग्जाम के अंदर तो सुन लिया करो जो बताया जा रहा है क्योंकि हम भी रिसर्च करके आते हैं हम भी गवर्नमेंट के वेबसाइट से आपको डेटा बताते हैं तो याद रखेगा ठीक है आ, नहीं देखिए फर्स्ट अप्रूवल नहीं था नीतू जी आप गलत जा रही है नीतू जी न्यूज ये थी कि केरला ने अलग से स्कीम बनाई थी वैक्सीन प्रेग्नेंट महिलाओं को वैक्सीन पूरे इंडिया में दी जा रही थी तो पहला स्टेट केरला ऐसा नहीं सकते केरला ने अलग से योजना बनाई थी कि बचवी महिलाओं को वैक्सीन दिए जाए कोविड नाइनटीन के इंद्रधनुष के नहीं कोविड नाइनटीन के तो पहला स्टेट वैक्सीन देने वाला केरला है ऐसा मत लिखेगा आंसर गलत हो जाएगा ठीक है चलो यस आगे अब देखिए यहां पे ना वैक्सीन के नाम है

तो ऐसे वक्त में वहां पे आपको आयरन कैप्सूल्स फॉलिक एसिल्स हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ानी पड़ेगी बॉयज यहां पे भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो यहां पे भी माल नरिशमेंट की केसेस बढ़ जाती है और सेक्सुअल अवेयरनेस यहां पे स्प्रेड करना बहुत जरूरी है नहीं तो यहाँ पे प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं प्लस यहाँ पे मेंटल हेल्थ के ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ वाला बहुत बड़ा प्रॉब्लम बिकॉज यहां पे पढ़ाई का टेंशन होता है अगर कोई एग्जाम नहीं निकल पाई या सपोज किसी क्ल... कक्षा में आप फेल हो गए तो उससे कुछ गलत चीज ना हो जाए तो इसी के लिए हमारे पास राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम होता है याद रखेगा। ये है याद यह एग्जाम के लिए अनादर इंपॉर्टेंट न्यूज इसके अंदर देखिए क्या है हेल्थ एंड डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द एडोलसेंट स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग का मतलब होता है होता ना कि फॉर एग्जांपल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कभी कभी छोटे बच्चों को डायबिटीज होता है या उनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है इसलिए स्क्रीनिंग किया जाएगा देन कम्युनिटी बेस इंटरवेंशन सपोज कोई स्टूडेंट है जो बेचारा फेल हो गया है जो डिप्रेस्ड है तो कम्युनिटी बेस इसका मतलब है कि जो कम्युनिटी होती है लोग होते हैं सोसाइटी होती है उनकी मदद से उसको चेयरअप किया जाएगा देन साथिया रिसोर्स किट फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं कि आ, आ, टीनेजर्स से बात की जाएगी टीनेजर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा नेशनल एडल हेल्थ स्ट्रेटेजी एंड देन मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम मैंने कहा था कि लड़कियों के लिए सैनिटरी नैपकिन या आ, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे हैंडल की जाए उसमें क्या क्या अफवाहें फैलती है इन सब के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ठीक है चलो यस क्लियर है गाइज मुझे बताइए अभी रिसेंटली मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए एक स्टेट है उस स्टेट ने स्कीम लॉन्च की थी तो कौन सा स्टेट है जिसने रिसेंटली मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए स्कीम लॉन्च की अभी करंट अफेयर्स के अंदर हमने शायद मेरे ख्याल से दो चार दिन पहले ही पढ़ा था जल्दी बता दीजिएगा देखते yes, कितने लोग इसका आंसर करेंगे या तो गाइज ये था हमारा आज का पहला लेक्चर जहां पे हमने हेल्थ स्कीम्स के बारे में थोड़ी जानकारी ली अभी भी पूरी हेल्थ स्कीम खत्म नहीं हुई है के और भी बहुत सारी हेल्थ स्कीम है जो आपके सामने आने वाली है मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको कौन सी कौन सी स्कीम्स है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं उसका इंफॉर्मेशन दिया Okay. उसके बाद हमने हेल्थ स्कीम के साथ स्टार्ट किया वी अबाउट आयुष्मान भारत हमने निधि के ऊपर बात की है। हमने एम्स क्रिएट करने के लिए योजनाओं के ऊपर बात की वी टॉक्ट अबाउट द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वी अबाउट किशोर स्वास्थ्य योजना के okay. तो नो no, केरला ने